मैं आरती गर्ग, मैं आज आपको अप्रण बनाना बताऊंगी बच्चों का कि किस तरह से बनता है। ये देखिए, मैंने इसलिए इसकी कटिंग नहीं की है, कटिंग करने के बाद बच्चों का खाना गले के नीचे चला जाता है, वो कपड़े वैसे ही भीग जाते हैं, इसीलिए मैं इस गले को बराबर रखती हूँ। और मैं आपको काट के ये कपड़ा बताती हूँ कि किस तरह से कटता है। ये देखिए, ये 5 इंच की चौड़ाई है और ये 9.5 इंच की लंबाई है। अब 10 कर लीजिए, कपड़े के ऊपर की बात है। ये कपड़ा मेरा आस्तीन का रखा हुआ था, जेंस आस्तीनें जो होती हैं उसमें से ये कपड़ा मैंने लिया था। ये देखिए 5 इंच मैंने इसकी डबल करके चौड़ाई की, नहीं तो 10 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसकी आप कटिंग कैसे करेंगी, नीचे से ये चौड़ा होता ही है, आप इसको इस तरह लीजिए। ये देखिए इस तरह इसको चलाती जाइए और मैं ऊपर से इसकी कटिंग गोल नहीं करती हूँ। ये देखिए मैं इसको इतना छोड़ देती हूँ। अब आप कैसे उठाइए ना, अब यहाँ से इसकी कटिंग करिए। ये देखिए ऐसे इसको यहाँ से गोल लीजिए, ऐसे करके वो अपना भूख को हड़ताल ऊपर रखिए। ये देखिए अब यहाँ से इसको ऐसे आपने देखिए इसकी कटिंग की है और फिर आपने इसे थोड़ा सा ऊपर से चौड़ा लिया है, क्योंकि अगर मैं पतला कर देती हूँ तो बच्चे के गले में पूरा ये आता नहीं है। तो आप देखिए मैंने कितने इंच ऊपर छोड़ा है इसको, 3 इंच की चौड़ाई ली है ना। 3 इंच की मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से 6 इंच, और ये लंबाई मैंने आपको बताई थी 9.5, यहाँ से चौड़ाई आपको बताई थी 10। अब इसको सीधा करिए, ये देखिए इसको सीधा करिए ऐसे। ये देखिए अब ये 1-1 इंच तो सिलाई में चला जाएगा आपका इधर उधर से इधर, और ये बचा 6 इंच था, 4.5 बचता है ये सिलाई करने के बाद, तो ये बच्चे के गले में बिल्कुल ये फिट आएगा। ये आप देखिए इसको आप 6 इंच रखिए, क्योंकि सिलाई में आधा आधा इंच चला जाता है ये। अभी मैंने कटिंग जो करी है पूरी कटिंग कर ली है, अब इसमें लैस लगानी बाकी है। लैस देखिए ये है, ये मेरे सूट का कपड़ा बचा हुआ था उसमें मैंने कटिंग की है ना, ऊपर 9.5 इंच आप इसको रखिए, 9 इंच मैंने इसका बेल्ट रखी है। ये देखिए 9 इंच इसमें बेल्ट रखी जाती है ना, ये देखिए ऊपर 9 इंच बांधने वाली बेल्ट रखी जाती है ये ना। दोनों तरफ से आप 9-9 इंच बेल्ट रखिए, दोनों तरफ से सिलाई करिए ना, और कपड़े को आप इसमें लगाती चली जाएगी। इसका कोई नाप नहीं होता है, चाहे आप चौड़ा रखिए, चाहे आप छोटा छोटा रखिए, चाहे आप बड़ा रखिए इसको इधर। मैं फिर आपको सिलाई करके बताती हूँ कि आप इसको कैसे रखेंगे इधर। ये आप छोटे छोटे कपड़े हों आपके पास तो आप ऐसे रखिए इसको यहाँ से, तो ये देखिए आप, ये देखिए इसका मुंह हुआ, ये इसकी नाप हुई। ये बच्चों को, बच्चों के साथ कुछ भी आप सजाइए और थोड़ा इससे चिपका दीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने आँख चिपकाई, ये देखिए, और एक आँख मैंने ये चिपकाई यहाँ पे, ये देखिए। ये धोने के बाद हटता भी नहीं है सूखने के बाद। ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए इसकी नाक चिपकाई, आप ये देखिए, ये मैंने कटिंग करके छोटे छोटे कपड़े पड़े थे तो ये मैंने इसका यहाँ पे देखिए मुंह चिपकाया, ये देखिए। ये पूरा कपड़ा तैयार हो गया। पूरा कपड़ा तैयार होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले ये ऊपर से लगाया जाता है। कोई भी कपड़ा आपके पास पड़ा हो तो आप इस तरह इसको अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ये मेरे पास जरा सी लैस, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको लैस ही लगाइए ना, ये मेरे पास जरा सी लैस पड़ी थी वो मैंने इसमें लगा दी है। अब इसको इस तरह करके
जो कि ये बाहर से आए, आप इस तरह से लगाइए जो ये लेस आपके बाहर से आए, इस तरह लगाइए। ये देखिए जो ज्यादा ज्यादा कपड़ा होगा उसको आप काट दीजिए। ये देखिए जो आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपने देखा मैंने ये लेस लगा रहा है ना, ये तो मेरे पास रखी हुई थी, कोई जरूरी नहीं कि आप लेस लगाइए। अब इसको कैंची से काट के जो ज्यादा है कपड़ा उसको निकाल दीजिए। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया, ये थोड़ा सा रह गया, इसको इधर से चिपका कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उधर से ही करिए और कपड़ा ही खुला रह जाए। ये देखिए ये देखिए आगे ये ऊपर का हिस्सा आपका बन गया। ये देखिए ध्यान रखिए ऊपर तक लैस ना आए जो बच्चे के गड़े गले में। ये मैंने थोड़ा सा कपड़ा इसीलिए छोटी लेस लगा के ऊपर कपड़ा प्लेन रख दिया है। अब ये 9 इंच आपको ये छोड़ना है, पहले तो आपको दोनों तरफ से ही कपड़ा देखिए मोड़ना है। आप इसको हटाइए और कपड़े को फटाफट से मोड़िए। ये देखिए इस तरह पूरे कपड़े को मोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम तो लगता है मोड़ने में, थोड़ा टाइम लगता है इस कपड़े को मोड़ने में, तो पूरा कपड़ा मोड़ा जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिर इसके बाद ही झालर बनती है मोड़ने के बाद। पूरी झालर मोड़ने के बाद फिर हम इसकी झालर बना लेते हैं, झालर बना के फिर उसमें लगा देते हैं। झालर बनने में देर नहीं लगेगी, केवल कपड़ा मोड़ने में थोड़ी देर लगती है। 9 इंच उधर से छोड़ते हैं, 9 इंच कपड़ा इधर से छोड़ते हैं, वो बांधने के लिए बच्चे के काम आता है। बांधने में आप बटन भी लगा सकते हैं और शायद डोरी भी बांध सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ज्यादा इसे छोड़ते हैं, थोड़ा बच्चे के इधर उधर से हो ढक जाता है। कोई जरूरी नहीं आप एक ही रंग की झालर लीजिए, इसमें आप 4 कपड़े भी जोड़ सकते हैं, 4 रंग की झालर बना सकते हैं, वो भी बच्चे के अच्छे लगती है। ये 9 इंच का कपड़ा आप छोड़ दीजिए। ये देखिए 9 इंच मैंने उधर से छोड़ा है, अब 9 इंच कपड़ा इधर से देखिए छोड़िए। ये देखिए थोड़ा सा मोड़ने में और आ जाता है तो आप 10 इंच छोड़ दीजिए ऊपर कपड़ा और सबको मोड़ दीजिए। अभी देखिए आपका इतना कपड़ा और बाकी मोड़ना, इसको यहाँ से मोड़ दीजिए और फिर बस छोड़ दीजिए, फिर आप झालर लगाना शुरू कर लीजिए। कपड़े को खींचिए, काट के निकाल लीजिए। अब इसकी आप झालर बनाइए, इस पे लगाइए, 9 इंच इधर से छोड़िए। ये 9 इंच आप मैंने क्यों छोड़ा है, वो बांधने में बच्चे के काम आता है, इसलिए मैं 9 इंच इधर से 9 इंच बराबर छोड़िएगा, क्योंकि ये ऊपर से कपड़ा ये देखिए। अब मैं इसके ये देखिए झालर बनाना आपको
बताते हैं, थोड़ी सी कपड़ा छोड़ के झालर बनाइएगा जो कि सुंदर अच्छी। अगर कपड़ा बड़ा या छोटा पड़ जाता है तो उसको आप काट सकते हैं। ये देखिए आपकी झालर बनने शुरू हो गए, जैसे इसमें झालर लगी हुई है इसी तरह मैं इसे झालर बना दूँ। बच्चे की खूब अच्छी लगती है, पहनने में बच्चे को आराम भी बहुत मिलता है। ये देखिए थोड़ा दूर दूर बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत पास पास आप झालर को बनाएं। ये देखिए बराबर कपड़ा चलाते जाइए इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा कोना आता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसमें मोड़ दीजिए, मोड़ के चलाइए, इसे मोड़ के चलाइए और मोड़िए। एक बार लगने के बाद बहुत सुंदर बहुत अच्छी लगेगी। ये 9 इंच से ज़्यादा अगर कपड़ा बच जाता है तो उसको काट दीजिए, क्योंकि कपड़े का इसका कपड़े का नाप कोई नहीं होता कि बड़ा पड़ेगा या छोटा पड़ेगा। अपने हाथ में रखिए, आपको झालर कैसे लगानी है आप ये सोचिए। कभी झालर में कपड़ा थोड़ा सा पास पास लगा दो तो कम हो जाता है, कभी झालर लगाने में कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। झालर के कपड़े का कोई भी नाप नहीं होता। गुलाई लेती जाइए, झालर लगाने में देर नहीं लगती, उसमें जो तुरपन होती है वो करने में देर लगती है। ये देखिए कितना बढ़िया आपका बच्चे का कपड़ा बन गया। कोई बेस्टी कपड़ा है ये, समझ लीजिए ये आस्तीन का कपड़ा था, जींस आस्तीन का, और ये मेरे सूट का कपड़ा बचा हुआ था, मैंने उसी से इसको बनाया। ये देखिए कपड़ा अगर बच जाता है आप इसको काट के जोड़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बचा हुआ कपड़ा कटे ना ही जुड़े ना। ये आपकी झालर ये बन गई। अब 9 इंच कपड़ा इसमें से और ले लीजिए आप। ये देखिए 9 इंच कपड़ा जो बांधने वाला होता है पीछे, वो लेके और आप काट दीजिए। ये देखिए 9 इंच, ये जोड़ने में 9.5। इसको कपड़े को ऐसे पकड़िए और काट के ये काट दीजिए। ये जो ऊपर का कपड़ा है ये देखिए, इसको ऐसे पास में लाके ये देखिए, इसको ऐसे मोड़िए, इसको ऐसे मोड़िए, ये हो गई ऊपर की बेल्ट। ये देखिए इसको ऊपर से ऐसे मोड़ लीजिए, ये ऐसे मुड़ गई पट्टी और फिर ये इसके ऊपर आ गई। ये लीजिए ये बांधने वाली जो पीछे पट्टी होती है बच्चे की, वो देखिए देखिए एक तरफ से हो गई है तैयार। अभी दूसरी तरफ से पट्टी करिए तैयार, तो ऐसे मोड़िए। ये देखिए यहाँ से फिर आप बेल्ट बनाइए, ये बेल्ट बन गई बांधने वाली। आप उसको साइड में लीजिए और उस पर घुमा दीजिए। ये देखिए इसको घुमाते चले जाइए, ये बड़ा मैं इसलिए बनाती हूँ, छोटा भी बना सकती हूँ,
बड़ा मैं इसलिए बनाती हूँ कि इस पे खाना वगैरह नहीं बाहर आता है, बच्चे का खाना वगैरह सब इसी पे गिरता है, और इसीलिए मैं ये कटिंग नहीं करती हूँ गले की, कि बच्चे का खाना अंदर ना गिर जाए। अब ये कटिंग करने से बाहर ही बच्चे का खाना गिरता है, और ठीक से बच्चे को बांध के और खाना खिला दीजिए। देखिए यहाँ से पूरी मशीन फेर दीजिए, जिसमें उठेगा नींद पर। ये देखिए मैंने पहले आपको पाइपिंग वाला भी बताया है, इसमें खाली पाइपिंग लगा के बनाइए। अब ये मैंने आपको झालर वाला बताया, अगर आप चाहेंगे तो मैं बटन वाला भी बना लेती हूँ, जो पीछे बटन लगता है बच्चों को। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया। अब मेरे चैनल को दो। ये देखिए पूरा बनके तैयार हो गया एकदम। चाहे तो आप झालर लगा दीजिए, चाहे कोई लेस लगा दीजिए आपके पास हो, पुरानी पड़ी हो एकदम, नहीं तो लाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। सब घर में ही छोटे छोटे कपड़े मिल जाते हैं, उससे एप्रल बन जाता है एकदम। मैं छोटे छोटे कपड़े आपको पहले बताऊंगी, फिर मैं आपको बड़े कपड़े बताऊंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब आप बताइए कि आप क्या देखना चाहेंगे।